أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون और हमने उत्पन्न किया है मनुष्य को मिट्टी के सार से, फिर हमने उसे वीर्य बनाकर रख दिया एक सुरक्षित स्थान में, फिर बदल दिया वीर्य को जमे हुए रक्त में, फिर हमने उसे मांस का लोथड़ा बना दिया, फिर हमने लोथड़े में हड्डियां बनाई, फिर हमने पहना दिया हड्डियों को मांस, फिर उसे एक अन्य रूप में उत्पन्न कर दिया। तो शुभ है अल्लाह जो सबसे अच्छी उत्पत्ति करने वाला है। फिर तुम सब इसके पश्चात अवश्य मरने वाले हो, फिर निश्चित तुम सब प्रलय के दिन जीवित किए जाओगे। और हमने बना दिए तुम्हारे ऊपर सात आकाश, और हम उत्पत्ति से अचेत नहीं हैं। और हमने आकाश से उचित मात्रा में पानी बरसाया और उसे धरती में रोक दिया, तथा हम उसे विलुप्त कर देने पर निश्चय समर्थवान हैं। फिर हमने उपजा दिए तुम्हारे लिए उस पानी के द्वारा खजूरों तथा अंगूरों के बाग, तुम्हारे लिए उसमें बहुत से फल हैं और उसी में से तुम खाते हो, तथा वृक्ष जो निकलता है सैना पर्वत से, जो तेल के लिए उगता है तथा सालन है खाने वालों के लिए। और वास्तव में तुम्हारे लिए पशुओं में एक शिक्षा है, हम तुम्हें पिलाते हैं उसमें से जो उनके पेटों में हैं, तथा तुम्हारे लिए उनमें अन्य बहुत से लाभ हैं और उनमें से कुछ तो तुम खाते हो, तथा उन पर और नावों पर तुम सवार किए जाते हो।